हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, आज मैं आप सभी से सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम जो ना इस चैनल पे मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था। कुछ रीजन थे जिसके कारण मैं वीडियोस जो है ना अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब से जो है आपको इस चैनल पे रेगुलरली जो है आपको वीडियोस देखने को मिलेगी। और हाँ, एक बात, जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया ना, उनको मेरी तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, कोई बात नहीं यार, जब मनो आराम से सब्सक्राइब कर देना। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू परमानेंटली डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट, या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कैसे करें। ठीक है, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट क्यों करें। ठीक है, देखिए एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, आप समझिएगा। मान लीजिए कि आज आपने एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, ठीक है, और आपने 6 महीने बाद आपने एक दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। ठीक है, अब मान लीजिए आपका नया कॉन्सेप्ट आया, आप सोचे हो कि चलो आप दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट को बनाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, आपका दो इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया, एक नया एक पुराना, और आपने दोनों को सेम नेम से बनाया है। तो लेकिन जब आपको नए वाले इंस्टाग्राम अकाउंट को कोई फॉलो करना चाहता है, ठीक है, जिसको इंस्टाग्राम के बारे में उतना पता नहीं है, वो जब सर्च करेगा ना, तो आपका दोनों इंस्टाग्राम जो है सर्च लिस्ट में आएगा। तो इससे होगा क्या कि आपको जितना फॉलोअर मिलना चाहिए उतना ना मिलके कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना आपके मेन अकाउंट को फॉलो ना करके दूसरे वाले अकाउंट को फॉलो कर देंगे। अब एक एग्जांपल थोड़ा सा और समझिए इसमें, ठीक है, मान लीजिए 100 फॉलोअर है, 50 ने आपका मेन अकाउंट को फॉलो किया और 50 ने गलती से दूसरे वाले इंस्टाग्राम को फॉलो कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि आपको मिलने चाहिए थे 100 फॉलोअर और आपको मिले कितने, 50 फॉलोअर, समझ रहे हो? तो यही है। तो इससे हुआ क्या, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, समझ रहे हो, इसमें आप ही का घाटा है। तो इससे मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ऐसी गलती से अवॉइड करो, या फिर ऐसी गलती को आप इसे दूर रहो। ठीक है, तो आप चलिए समझते हैं कि इसको डिलीट कैसे करना है। तो अभी जो मैं प्रोसेस दिखाने जा रहा हूँ, या जो भी स्टेप मैं आपको करके दिखाऊंगा, उनको आप ध्यान से देखें, और आप इसको देखने के लिए आपने वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहे। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी मैं अपने फोन पे आ चुका हूँ, और अब मैं आपको चलता हूँ इंस्टाग्राम पे लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अभी जो है मैं अभी उसी इंस्टाग्राम आईडी से लॉग इन करूंगा जिसको मुझे डिलीट करना है। ठीक है, तो अभी हम उसको लॉग इन करते हैं उसके साथ। चलिए, तो यहाँ पे भी लॉगिन हो रहा है अकाउंट, आप देख सकते हैं, और ये जो अकाउंट लॉगिन हो चुका है। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि रुकिए एक मिनट, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं उमेश चौरसिया 0 के नाम से अभी यहाँ पे जो है यूज़र नेम मेरा है। अभी मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए ESHCHOURASIA0। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट आपको यहाँ पे फर्स्ट में शो कर रहा है। अभी मैं डिलीट करने के बाद आपको ये सर्च कर दिखाऊंगा कि क्या यहाँ पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, या डिलीट हुआ या नहीं हुआ, इसका प्रूफ मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अब इसको सबसे पहले इसका सेटिंग पे आना है। ठीक है, सेटिंग पे आने के बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले सेटिंग पे कैसे आना, तो यहाँ जो आपको 3 डॉट दिख रहा है इस पे आना है। उसके बाद यहाँ नीचे आपको दिखाई दे रहा है सेटिंग, इस सेटिंग पे आना है। यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो जिस पे आपको जाना है यहाँ पे हेल्प पे, हेल्प वाले सेक्शन पे जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, जिसमें से आपको यहाँ पे जाना है हेल्प सेंटर पे। जब हेल्प सेंटर पे आएंगे उसके बाद जो है आपको बहुत सारे, फिर यहाँ भी यहाँ ये जो है आपको ब्राउजर पे लेकर जाएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम के वेबसाइट पे। अब यहाँ पे जब आप वेबसाइट पे आ गए तो बहुत सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है सेकंड वाला, मैनेजिंग योर अकाउंट। ठीक है, जब इस वाले अकाउंट पे आएंगे तो ये एक नया पेज पे फिर लेकर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको बहुत सारा अकाउंट दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आपको सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना है। जब सेकंड वाले ऑप्शन चूज करेंगे फिर ये एक नया पेज पे लेकर जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसमें से दूसरे वाले ऑप्शन को पे आपको जाना है, हाउ डू आई डिलीट माई अकाउंट। ठीक है, इस पे आना है। अभी देखिए यहाँ पे ये आपको 3 स्टेप्स बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पढ़ के आपको नहीं सुनाऊंगा, मैं अभी आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ 3 स्टेप्स में क्या है। पहला स्टेप्स में कहना है ये जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पे जाइए। दूसरे वाले ऑप्शन पे आपको दूसरे स्टेप में क्या करना है, वाई आर यू डिलीटिंग योर अकाउंट, एक रीजन दीजिए कि क्या रीजन है। आपका जो भी पर्पस होगा आप वहाँ पे दे सकते हैं, या फिर कोई भी रैंडम ऑप्शन जो है वहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरे वाले में नीचे जो ऑप्शन आएगा क्लिक परमानेंटली डिलीट माई अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका अकाउंट जो है परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले इस लिंक पे हम आते हैं, तो ये एक नए पेज पर फिर से आपको लेकर जाएगा। ठीक है, जो अभी 3 स्टेप मैंने आपको बताया वही स्टेप्स को अभी यहाँ पे आपको फॉलो करना है। अभी आपको यहाँ पे जो है लॉगिन करना है उसी अकाउंट से, कंफर्म करना है कि जिस अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं क्या वो आपका अकाउंट है। तो यहाँ पे अभी हम लॉगिन करेंगे, और चलिए हम यहाँ पे डालते हैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक
ठीक है, यहाँ पे अभी हम लॉगिन कर रहे हैं और ये देखिए मेरा अकाउंट जो है लॉगिन हो चुका है। ठीक है, तो ये मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है, अब ये कंफर्म हो चुका कि ये मेरा ही अकाउंट है। ठीक है, तो दूसरे स्टेप्स में क्या करना था, एक रीज़न चूज़ करना था, व्हाई आर यू डिलीटिंग योर अकाउंट। अभी यहाँ पे बहुत सारा आपको रीज़न मिल रहा है, ठीक है, कि आप क्या है, मतलब आप किस कारण से आप डिलीट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे समथिंग एल्स को, मतलब चूज किसी भी आप रीज़न को दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं समथिंग एल्स पे ये चूज कर कर लिया मैंने, और यहाँ पे आपको री एंटर अपना पासवर्ड डालना है, ठीक है, कंफर्म करने के लिए। फाइनली ये कंफर्म करेगा कि क्या ये आप ही का अकाउंट है, उसके बाद ये जो है आपको डिलीट कर देगा। यहाँ पे मैंने पासवर्ड फिल कर दिया है, और तीसरे स्टेप में क्या था, परमानेंटली डिलीट माई अकाउंट, इस वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ये आपसे कह रहा है कि आर यू श्योर यू वॉन्ट टू डिलीट योर अकाउंट। यस ओके, मैं श्योर हूँ, और ये जो है आपका परमानेंटली जो है ये अकाउंट डिलीट कर दिया। देखिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, देखिए यहाँ मैसेज आ रहा है, योर अकाउंट हैज़ बिन रिमूव्ड, वी आर सॉरी टू सी यू गो। ठीक है, इसने कह रहा है कि इसने आपके अकाउंट को डिलीट कर दिया है और अब मैं आपके अकाउंट को नहीं दिखा सकता। ठीक है, तो आप हम सर्च करके देखेंगे किसी इंस्टाग्राम अकाउंट से। ठीक है, तो फिर से हम आते हैं इंस्टाग्राम पे। ओके, और यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं अपने इंस्टाग्राम का मेन अकाउंट, और वहाँ पे हम सर्च करके आप देखेंगे कि क्या इंस्टाग्राम आईडी मेरा दिख रहा है या नहीं दिख रहा। ओके गाइस, तो जस्ट मैं वेट कर, यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ, लॉगिन कर रहा हूँ उसी आईडी को, और मैं पासवर्ड फिल कर रहा हूँ अभी। देख सकते हैं यहाँ पे नीचे साफ साफ मैसेज आ रहा है, लुक्स लाइक योर रिक्वेस्ट टू डिलीट दिस अकाउंट लर्न मोर इज द हेल्प सेंटर। ठीक है, ये साफ साफ इसने मैसेज दे दिया, यहाँ पे शो कर दिया कि जो ये अकाउंट जो है आपका वो परमानेंटली डिलीट हो चुका है। तो गाइज कैसा लगा ये वीडियो, आप अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स में। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने जो स्टेप्स मैंने अभी आप लोगों को दिखाया अपने फोन में करके, सेम स्टेप्स आपको ही फॉलो करने हैं अपने फोन में, उसके बाद आप भी जो है इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली जो है डिलीट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से डिटेल में समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों इस वीडियो को समझने में कोई दिक्कत है या फिर आपके मन में कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया, अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए, साथ ही कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो पसंद क्यों नहीं आया। और आप हमें चाहे तो सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।